कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन्स ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर विश्वजीत यादव। आज हम लोग ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे नो लोड ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर का नो लोड पे प्रचालन कैसे होता है, आज हम लोग उसी से संबंधित नया टॉपिक पढ़ेंगे, पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर का कार्य या वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। ठीक है, तो जैसे सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर फुल लोड पे काम करता है, इससे संबंधित हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, फेजर डायग्राम से संबंधित जानेंगे कि कैसे जब ट्रांसफार्मर हमारा प्योर रेजिस्टिव लोड पे है या प्योर इंडक्टिव लोड पे है या प्योर कैपेसिटिव लोड पे है, उस कंडीशन में क्या होगा फुल लोड पे, इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का जब हम फुल लोड पे ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन से संबंधित। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोग को बताया है कि जब किसी भी ट्रांसफार्मर का नो लोड पे ऑपरेशन होता है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है, या सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है और उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नो लोड ऑपरेशन कहा करते थे। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यह एक हमारा ट्रांसफार्मर है, सिंपली एक सामान्य रूप से मैंने ट्रांसफार्मर बनाया है और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ V1 ऑफ वोल्टेज अप्लाई किया है तथा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1 है तथा यहाँ पे इंड्यूस GMF क्या है, E1 है, यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, यहाँ पे इंड्यूस GMF क्या है, E2 है और यह हमारी कोर है, कोर में फ्लक्स क्या है, इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के फुल लोड ऑपरेशन की, तो हम लोग देखते हैं कि फुल लोड ऑपरेशन कहते किसके किसको हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक I2 करंट फ्लो होने लगती है। तो इस प्रकार का प्रचालन हमारा क्या कहलाता है, फुल लोड ऑपरेशन कहलाता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि लिखा क्या है, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक I2 करंट फ्लो होने लगती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसमें मैंने बताया था I1 करंट फ्लो होती है, और नो लोड ऑपरेशन में मैं बताया था कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमेशा क्या होती है, ओपन होती है, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो हुआ करती थी, I0, जिसको हम क्या कहते थे, नो लोड करंट कहते थे। लेकिन अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर का फुल लोड ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो फुल लोड ऑपरेशन में हम लोग यह देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, लोड से। यहाँ कोई भी क्या कर दिया गया, लोड से कनेक्ट कर दिया गया है, तब इसमें एक क्या होने लग रही है, I2 करंट भी क्या होने लग रही है, फ्लो होने लग रही है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में देख रहे हैं हम लोग क्या है, एक I2 करंट फ्लो होने लगे, तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन हमारा ट्रांसफार्मर का क्या कहलाता है, फुल लोड ऑपरेशन कहलाता है, कि जिसमें सेकेंडरी क्या है, लोड से कनेक्ट हुई। अब यह डिपेंड करता है, हम लोग कई फेजर डायग्राम पढ़ेंगे कि यह हमारा जो लोड कनेक्ट किया गया है प्योर रजिस्टिव है कि प्योर इंडक्टिव है कि प्योर कैपेसिटिव है, तीनों पे हम लोग विभिन्न प्रकार के फेजर डायग्राम को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया गया है, तो जब यह सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्ट कर दी गई, तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रवाह I2 करंट फ्लो होने लग रही है। जब I2 करंट फ्लो हो रही है तो इसमें एक क्या उत्पन्न हो रहा है, एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है, MMF उत्पन्न होगा।
सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक MMF उत्पन्न होगा और वह MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N2 × I2 के प्रोपोर्शनल होगा। N2 × I2 इट मीन्स क्या, एम्पियर टर्न कह सकते हैं, एम्पियर टर्न। जैसा कि मतलब एम्पियर टर्न का मतलब यह है कि जब कितने इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न कितने हैं और इसमें क्या कितनी करंट फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें MMF उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में यह MMF उत्पन्न होगा, यह क्या करेगा, जो कोर में फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो कोर में फ्लक्स आ रहे हैं उस कोर का क्या करेगा हमारा विरोध करेगा, उसका क्या करेगा परिवर्तित, जो प्राइमरी से हमारे फ्लक्स आ रहे हैं जो फ्लक्स है मेन फ्लक्स का क्या करता है अपोज करता है। जब मेन फ्लक्स का अपोज करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स की फ्लक्स क्या होंगे कम होंगे। जब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स कम होंगे तो प्राइमरी में भी इंड्यूस GMF का मान क्या होगा, तो जब फ्लक्स कम है तो इंड्यूस GMF का भी मान क्या होगा कम होगा। अब क्या देखते हैं हम लोग, जब विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो उससे यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तब इस करंट का मान ज़्यादा हो जाने से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह क्या होगा, फिर हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाने से अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के नो लोड से फुल लोड ऑपरेशन में इसमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है समान होता है। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद हमें यह मिला है कि इस प्रकार से नो लोड से फुल लोड तक प्रायः प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है। ठीक, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स के मान के परिवर्तन जो इसमें फ्लक्स हो रहा है उसके फ्लक्स के मान के परिवर्तन से इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है इसका जो EMF हो रहा है EMF का मान भी क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। EMF के मान के मतलब फ्लक्स के परिवर्तन के मान से EMF का भी मान भी परिवर्तित हो रहा है, जिससे इसमें एक अतिरिक्त धारा भी क्या होने लगती है फ्लो होने लगती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं I2 के नाम से जानते हैं, जिसे हमें देखने को मिलता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक अतिरिक्त धारा फ्लो होने लगती है जिसको हम I2 के नाम से जानते हैं। और इस I2 को इस अतिरिक्त धारा को प्रायः हम क्या करते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यह अतिरिक्त धारा या इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि यह अतिरिक्त धारा का प्रभाव नो लोड ऑपरेशन और फुल लोड ऑपरेशन में किस प्रकार पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर, जैसा सर्किट बना हुआ है अब हम लोग देखेंगे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ट्रांसफार्मर का, वह इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार है। जैसा कि अगर यह हमारा ट्रांसफार्मर सभी लोग देख रहे हैं यह हमारा ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर को देखते हुए हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। जैसा कि V1 अप्लाई किया गया है वोल्टेज, तो यहाँ हमारा क्या है यहाँ हम V1 अप्लाई कर दिए, उसके बाद वाइंडिंग का कुछ न कुछ क्या होता है हमारा रजिस्टेंस होता है और उसका कुछ न कुछ क्या होगा रिएक्टेंस होता है वाइंडिंग का, तो इसको हम R1 से कह दिए, तो इसको हम X1 से कह दिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाते हैं जिसको हम नो लोड करंट कहते हैं I0 के दो भाग हैं, एक को हम क्या कहते हैं RW तथा दूसरा क्या होता है हमारा XM, यह नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट और इसमें क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट। उसके बाद अब हमारा इंड्यूस GMF होगा प्राइमरी का, तो यह हमारा क्या प्राइमरी वाइंडिंग और यह कोर और यह क्या हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके बाद यह हमारा R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का यह हमारा रिएक्टेंस हो जाएगा। उसके बाद यह X2 हो जाएगा
और हम इसको क्या कर दे रहे हैं, लोड से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या है लोड। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 हो जाएगा, इसमें EMF इंड्यूस्ड E1 हो जाएगा, और इसका नंबर ऑफ टर्न N2 हो जाएगा, इसमें EMF इंड्यूस्ड E2 हो जाएगा। और हम यह हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, जिसमें हम देखें प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, नो लोड करंट, नो लोड करंट के दो कंपोनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, और क्या है मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट। उसके बाद ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला EMF E1 तथा इसके नंबर ऑफ टर्न N1 तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF उत्पन्न होने वाला E2 तथा इसके नंबर ऑफ टर्न N2। और यह हमारी किसको रिप्रेजेंट करता है, यह हमारे कोर को रिप्रेजेंट करता है। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो क्या है हमारा R2 और हमारा रेजिस्टेंस R2 तथा रिएक्टेंस क्या X2, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं लोड से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसके लोड में एक कौन सी करंट फ्लो होने लगती है, I2 करंट फ्लो होने लगती है। यहाँ पे I2 करंट हमारी फ्लो होने लगी। अब इसके बाद I2 करंट फ्लो होने के बाद, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वहाँ पे एक MMF उत्पन्न होगा, MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N2 इंटू I2 के, जिसके कारण एक प्राइमरी में भी एक अतिरिक्त धारा फ्लो होने लगती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं I2 डैश के नाम से जानते हैं। यह हमारा जब ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो I2 करंट फ्लो होती है, उसके बाद हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक अतिरिक्त धारा फ्लो होती है, जिसको हम I2 डैश के नाम से जानते हैं। यह हमारा रहा ट्रांसफार्मर का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि फेजर डायग्राम के थ्रू कि क्या इफेक्ट पड़ता है जब हमारा क्या हो, लोड रजिस्टिव हो, लोड इंडक्टिव हो और लोड कैपेसिटिव हो। अब हम लोग देखेंगे कि फुल लोड ऑपरेशन पे किसी भी ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम क्या होगा डिफरेंट लोड पे, जैसा कि है फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन डिफरेंट लोड। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर यह एक ट्रांसफार्मर है और यह पूर्ण लोड पे जुड़ा हुआ है, यह लोड से जुड़ा हुआ है और यह लोड हमारा क्या है एक प्रकार का प्योर रजिस्ट्री लोड है, तो उस समय में I2 का मान क्या होगा, I2 डैश का मान क्या होगा, V2 E2 का मान क्या होगा तथा V1 और I1 के बीच एंगल क्या होगा, इसको हम लोग एक फेजर डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या आता है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, अगर ये हमारा क्या है प्योर रजिस्ट्रिव है, क्या है प्योर रजिस्ट्रिव लोड है, तो प्योर रजिस्टिव लोड की कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर लोड पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि मैं अभी बताऊँ चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मान दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है समान होता है, तो फ्लक्स को हम क्या ले लें, रिफरेंस ले लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह हमारा क्या है, अगर हम लोग कह दें यह हमारा V2 बराबर E2 है और ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो का मान K बराबर 1 है, तो V2 बराबर क्या होगा E2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग और V2 बराबर E2 हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें आने वाली धारा का मान क्या है, यहाँ I2 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा V1, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज हमारा V1 है, ठीक है। अब तो हम लोग यह देखते हैं कि अगर यह हमारा प्योर रजिस्ट्री लोड है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्योर रजिस्ट्री नो लोड की कंडीशन में बताया था कि प्योर रजिस्ट्री के केस में हमारा जो करेंट होता है जिसको IW कहते हैं हम, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, और एक होता है हमारा IM मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट। यह दोनों जैसे कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे सेम फेज में होंगे, किस कारण, जब हमारा सर्किट क्या होगा प्योर रजिस्ट्री सर्किट होगा तो IW कंपोनेंट हमारा इसी पे होगा और हमारा IM क्या होगा, क्योंकि IM क्या मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट है, तो यह क्या होगा इससे क्या होगा 90 डिग्री क्या करेगा लैग करेगा। तो इन दोनों का जो फेजर सम आया था हमारा इस तरीके से हम लोग देखे थे नो लोड में, तो यह जो हमारा बताता है यह क्या बताता है I0 बताता है, जिसको हम कहते हैं नो लोड करंट, किस क्या कहते हैं नो लोड करंट। अब हम लोग देखते क्या है, क्योंकि हमें देखना क्या है यहाँ पे नो लोड करंट नहीं देखना, हमें फुल लोड करंट देखना है, जिसको हम I1 के रूप में टर्म देखें, तो हमें I1 और V1 के बीच क्या वहाँ पे जैसे नो लोड करंट के यहाँ पे हम लोग एंगल जो देखे थे वो क्या था 50 था हमारा एंगल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा होगा यहाँ से, अगर हमारा क्या है यह I0 है, तो अब हम लोग I1 के बीच देखेंगे कि I1 के बीच क्या है, तो हम लोग देखते हैं अगर इसी को क्या कर दें, तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर यह हमारा I2 है सेकेंडरी का, यह सेकेंडरी का वोल्टेज है
ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, दोनों बराबर हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, एक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यह I2 है तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हमारा यहाँ पे I2 डैश हो जाएगा, ठीक है। और यह I2 डैश किसका किसका सम होगा, यह हमारा नो लोड करेंट इसका और इसका क्या होगा, हमारा सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी आएगी वह क्या आएगा, आई वन। तो यह और यह हमारा मिल यहाँ पे क्या है, आई वन। तो हम लोग देखेंगे यह क्या हमारा इसके और इसके बीच का यही हमारा क्या होगा, फेजर सम आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अगर इसके इसके बीच का यह 50 था तो इसको हम इस एंगल को क्या मान लें, 51 मान लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि V1 और I1 के बीच का जो पावर फैक्टर एंगल होगा क्या है, 51 होगा। और यह लोड यह फेजर डायग्राम किस पे होगा, प्योर रेजिस्टिव के लोड पे होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरा भी देखेंगे प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होगा हमारा। तो प्योर इंडक्टिव के केस में हम लोग देखते हैं, प्योर इंडक्टिव के केस में जब हमारा लोड क्या हो, प्योर इंडक्टिव लोड हो ट्रांसफार्मर का, तो सेम होगा। प्योर इंडक्टिव लोड में हमारा फ्लक्स वही होगा और यह हमारी क्या होगी, वी टू बराबर ई टू होगा और ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर क्या होगा, वन होगा। तो इसी पे हमारी क्या होगी, आई टू करेंट होगी। और यह हमारा क्या होगा, वी वन होगा प्राइमरी का वोल्टेज, और प्राइमरी का वोल्टेज यह हमारा क्या हो गया, वी वन हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो चीज़ें यहाँ पे कि यह हमारा प्राइमरी का वोल्टेज क्या हो गया, V1 हो गया, और यहाँ पे जो हमारी एक करंट है जिसको हम लोग क्या जा रहे हैं, I0। I0 क्या है, नो लोड करंट है हमारा। अब हमें देखना क्या है, अब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग यह देखते हैं कि क्या देखेंगे कि जो हमारा I2 है वह हमारा वोल्टेज से, चूँकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो क्या कर रहा है, लैग करेगा कि लीड करेगा, तो हमेशा क्या करेगा, I2 लैग करेगा। तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं जो I2, ठीक है, यहाँ वाला ये नहीं होगा, तो हम क्योंकि यह प्योर रजिस्ट्री के केस में यहाँ I2 होगा तो यहाँ पे ये I2 नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, क्या करेगा, 90 डिग्री लैग कर रहा, चूँकि हमारा प्योर इंडक्टिव के केस में तो हमारा इससे क्या करेगा, कुछ लैग करेगा, और जब हमारा यह लैग करेगा तो इसको यह I2 हो गया तो इसकी सीधे ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा I2 डैश हो जाएगा, ठीक, I2 डैश हो जाएगा। और इस I0 नो लोड करंट तथा I2 डैश के बीच का हमारा यहाँ से हम ले लेंगे तो यह हमारी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो यह हमारा किसके बीच है, प्योर रेजिस्टिव, यदि हम मान के चलते हैं अगर लोड हमारा क्या है, इंडक्टिव है, तो यह हमारा फेजर डायग्राम V1 और I1 के बीच, अगर हम इसको कोई एंगल मान लें तो इसके बीच का हमारा एंगल यह होगा, 52 एंगल मान लें इसको, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव लोड के बारे में कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे कैपेसिटिव लोड के बारे में देखेंगे। तो कैपेसिटिव लोड के अगर हमारा क्या है, यह हमारा पाई फ्लक्स है, ठीक, और यह हमारा क्या है, यह हमारा V2 बराबर E2 हो जाएगा और K बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लीड करेगी, तो I2 डैश हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, I2 डैश, अरे I2 इस तरीके से आएगा लीड करता हुआ इधर। तो और यह हमारा क्या है, यहाँ पे यह हमारा V1 है प्राइमरी का वोल्टेज, अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, नो लोड करंट होगी I0। अब इस I2 को हम क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह I2 डैश हो जाएगा, I2 डैश हो जाएगा, और इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम हमारा I1 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि V1 और I1 के बीच जो एंगल, अगर हम इसको 53 से मान लें तो V1 और I1 के बीच का हमारा यह पावर फैक्टर एंगल होगा, ठीक। तो यह रहा हमारा प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव तथा रजिस्टिव के बाद फेजर फुल लोड पे ट्रांसफार्मर का कैसे लोड है, इतना आप लोगों में आ सकता है ITI के एग्जाम में। उसके बाद हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के विभिन्न भागों के अध्ययन करेंगे, जैसे बुकोल्ज रिले क्या है, कंजर्वेटर क्या है, और उसके कोर्स क्या है, और उसके बाद हमारा एक्सप्लोजन वेंट वाल्व क्या है, एक्सप्लोजन वेंट क्या है, ट्रांसफार्मर रॉयल क्या है, विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर के भागों के नाम और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या कार्य है, ठीक है। आज के लिए क्लास केवल इतना ही, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारी इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।